संसद के मानसून सत्र में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई और इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी आक्रामक तेवर में दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी सांसदों को हिंदू नहीं हिंसक कहा, जिसे बीजेपी ने भारतीय हिंदुओं के अपमान से जोड़ दिया। हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान पर घमासान मच गया है। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल पहली बार बोले और जब बोले तो बीजेपी पर जमकर बरसे। हाथ में भगवान शिव की फोटो लेकर पहुंचे राहुल गांधी ने हिंदुत्व के जरिए बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। लोकसभा में दिए इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने हिंदुओं का अपमान बताया। आखिर बता ही दिया कि वो फिरोज खान के नाती हैं, क्योंकि उनके अंदर रक्तों के अंदर अगर हिंदुत्व का खून होता, हिंदू का खून होता, तो हिंदू को कभी वो हिंसक नहीं कहते। हिंदू वो है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ता है, हिंदू वो है जो सबके सुख दुख की चिंता करता है, हिंदू आक्रमण नहीं करता, लेकिन आक्रमणकारियों को बर्दाश्त भी हिंदू नहीं करता। राहुल गांधी ने लोकसभा में वही उद्गार व्यक्त किए हैं जो कांग्रेस की दूषित घृणित विकृत मानसिकता है, वह मानसिकता जो हिंदुओं को आतंकवादी बताती रही, भगवा को आतंकवादी बताती रही, हिंदुओं के साथ में अन्याय भेदभाव और लगातार अपमानित करने का काम करती रही। हिंदुओं को आज ये हिंसक बता रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। ये मानसिकता भारत का ही नहीं दुनिया का कोई भी मानववादी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता। संसद में एक दशक बाद मानसून सत्र में इस तरह का हंगामा नजर आया। राहुल की हमलावर शैली से कांग्रेसी खुश है, कार्यकर्ता उत्साह से भरे हैं और बीजेपी के उठाए सवाल पर उन्हें आईना दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार फैलाती है। सबसे पहले तो आप सामने राहुल गांधी जी खुद वो व्यक्ति हैं जिनका परिवार हिंसा और आतंकवादी हमले से सबसे प्रभावित रहा है। उनके पिताजी के कई चिथड़े हो गए थे, वो शहीद हुए देश के लिए, उनकी दादी शहीद हुई। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे परिवार के लिए ऐसा गलत शब्दों का दुरुपयोग करती और इस तरह का दुष्प्रचार फैलाती है, तो ये बताता है भारतीय जनता पार्टी की कुंठा और कुछ नहीं है। 24 के चुनाव से राहुल गांधी बदले बदले नजर आ रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन के नतीजों ने उन्हें और कॉन्फिडेंस दिया। नेता विपक्ष बनते ही राहुल गांधी लगातार बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं। बीजेपी राहुल की गलती का इंतजार कर रही है। फिलहाल राहुल गांधी के हिंदुत्व के बयान को बीजेपी भुनाने में लगी है। इस पर पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास होता है और जनता ही ये तय करती है कि किसे कब कहां पहुंचाना है। राहुल गांधी के साथ भी इस बार यही हुआ। वो अब विपक्ष के नेता है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि जब आपको जोश आता है तो जोश में कई बार व्यक्ति होश भी खो बैठता है। और हिंदुत्व जैसे मुद्दे ऐसे ही है जिसमें कब कौन क्या कह जाए और किसको मौका मिल जाए। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।